अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केसर पेड़े की रेसिपी। तो बहुत इजी रेसिपी है और कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं इसके लिए, तो फटाफट से बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने रख लिया था। मैंने 1 लीटर दूध से बनाए थे, तो दूध को गर्म कर लेना है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। दूध को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए थोड़ा सा पक के कम हो गया है, तो कंटिन्यू इसको पकाते रहना है। इसको पकने के लिए कम से कम 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए और क्वांटिटी इसकी कम हो गई है पकते पकते, और जो साइड का है वो हमको अंदर मिक्स करते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें केसर डाला है। ये 20 रुपये वाला पैकेट केसर का लिया है मैंने। ये एवरेस्ट का 20 रुपये वाला पैकेट है। ये देखिए तो पूरा केसर मैंने इसमें डाल दिया है, और फिर से चलाते रहना है हमको। तो ये देखिए और थोड़ा सा थिक सा हो गया, इसका कलर भी थोड़ा हल्का चेंज हो गया। अगर कलर आपको कम थोड़ा लग रहा है तो आप इसमें येलो फूड कलर मिला लेना। और उसके बाद मैंने इसमें फ्लेवर के लिए एसेंस डाला था, तो मैंने वेनिला एसेंस का यूज़ किया था थोड़ा कुछ चेंज करने के लिए। तो अगर आपको वेनिला का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो, या बिना एसेंस के, या तो फिर इलायची पाउडर डाल देना। और ये याद रखिएगा कि वेनिला एसेंस आप लास्ट में डालना। अगर आप पहले डाल दोगे तो दूध कभी कभी फट जाता है। तो ये देखिए ठीक हो गया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना कम हो गया और ठीक सा हो गया है। तो अभी मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है, सिर्फ केसर और वेनिला एसेंस डाला था। और अच्छे से फिर से पकने देना है इसको, और थोड़ा सा ठीक हो जाए उसके बाद मैं इसमें शक्कर डालूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें 50 ग्राम के करीब शक्कर डाली थी। तो दूध की क्वांटिटी जितनी कम हो जाएगी पकने के बाद, उस हिसाब से ही शक्कर डालना। पहले डालोगे तो अंदाज समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा कि बहुत मीठे हो जाएंगे पेड़े। तो ये देखिए ये शक्कर मिलाने के बाद, शक्कर थोड़ा पानी छोड़ेगी तो ये और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको फिर से पकाते रहना है और चम्मच चलाते रहना, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो कंटिन्यू मैं चम्मच चला ही रही हूँ। ये देखिए रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साइड में घंटी के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए ऐसे हो गया है, तो मैं गैस बंद कर लूँगी, और इसको ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में रख लिया था। ये देखिए तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो एक साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा, चम्मच से आप ले सकते हो, और प्रेस करके बनाना है। अगर आपको परेशानी हो रही है बनाने के लिए तो आप थोड़ा सा घी या तेल हाथ पे लगा लेना और ऐसे बना लेना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको चम्मच से कुछ शेप दिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वैसे ही बनाएगा तो आपके भी इतने ही प्यारे ब्यूटीफुल से और यम्मी से पेड़े बनेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और ऊपर से 2-3 केसर के धागे लगा दिए थे डेकोरेट के लिए। तो ये देखिए 2-3 मैंने धागे लगा दिए डेकोरेट के लिए। मैं ऐसे ही पूरे बना लेती हूँ। अगर आपका पेस्ट ऐसे नहीं बन रहा है एकदम चिकना सा, तो आप क्या कीजिएगा, पेड़े का जो मैंने आपको बताया दानेदार अगर बन रहा है तो आप उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा ठंडा करने के बाद, अगर दानेदार बन जाता है तब। नहीं तो अगर स्मूथ पेस्ट बनेगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ऐसे बनाना है हमको, और प्रेस कर लेना है चम्मच से। ऐसे डिज़ाइन दी थी मैंने, चम्मच या चाकू से आप दे देना। तो ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पर, ये दिवाली स्पेशल रेसिपी है। मैंने और भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप वो भी चेक कर लेना मेरे चैनल पर। और ऊपर से देखिए मैंने ये केसर के धागे लगाए हैं, डेकोरेट कर लिया है, डिश आउट किया, और खाने में बहुत ही टेस्टी थे। अगर मार्केट से लेने जाओगे तो थोड़े कॉस्टली आते हैं, यानी ज़्यादा रेट में आएंगे, क्योंकि ये दूध से बने हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।